नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका, और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडलाइंस की। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका, 23,000 के अधिक शिक्षकों की भर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बताया असंवैधानिक। सभी शिक्षकों को वेतन 4 हफ्तों में वापस करने के दिए निर्देश। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक में ठोकेंगे ताल, वहीं बसपा प्रमुख मायावती बुलंदशहर और नोएडा में करेंगी चुनावी सभा। तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन, इस चरण में 11 राज्यों के 95 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होगा मतदान। एनआईए की श्रीनगर के 9 ठिकानों पर छापेमारी, ड्रोन से हथियार गिराने के मामले में चल रही है जांच, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जम्मू में भिजवाए गए थे हथियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन के दौरे पर, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों से की मुलाकात। मौसम की खबरों में, लू की आशंका के बीच हल्की बारिश के बाद राजधानी दिल्ली का मौसम हुआ सुहाना, वहीं देश के पूर्वी क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी के आसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लू चलने की संभावना। और खेल की खबरों में, भारत के डी गुकेश ने जीता कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट, 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, अब विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन जेंग लिरेन को देंगे चुनौती। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, जहां पर पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगा है। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 23,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती को असंवैधानिक बताते हुए सभी शिक्षकों को 4 हफ्तों के भीतर अपना वेतन वापस करने का निर्देश दिया है। साथ ही एसएससी को नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी कहा गया है। वहीं इसके अलावा सीबीआई जांच भी जारी रहेगी, जिसमें सीबीआई किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, और ये भर्ती सरकारी स्कूलों के लिए थी, जिसके जरिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों का चयन होना था, और इस भर्ती में अनियमितता के आरोप लगे। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। इस पूरे मामले में घोटाले को लेकर कई याचिकाएं भी दायर की गई और कोर्ट ने सभी पर एक साथ सुनवाई की। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की और पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार भी किया गया। उनके अलावा पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के कुछ पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बड़ा झटका इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार को लगा है। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी। अब प्रसन्नजीत, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, इसे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहा जाए तो टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा है, पश्चिम बंगाल सरकार को। देखिए, टीएमसी को पहले तो ये बता दूं कि ये सुनने में मुझे अजीब लग सकता है,
लेकिन टीएमसी को समझना चाहिए कि ये झटका उनको लगा है। मुश्किल इस बात की है कि पिछले कई सालों से जब ये चल रहा था तब टीएमसी की तरफ से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से एक अजीब किस्म का नैरेटिव लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया है जी। कि हमने नौकरी देना चाहते हैं, अदालत नौकरी खाना चाहती है। ये एक अजीब किस्म का नैरेटिव तृणमूल की तरफ से, मुझे लगता है कि आज भी ऐसा ही कुछ बयान दिया जाएगा और प्रतिक्रिया दिया जाएगा तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अदालत के सामने सीबीआई का तहकीकात है, अदालत के सामने कानून है, अदालत के सामने सब कुछ है। सारे के सारे प्रतिष्ठानों को गाली देते देते आज तृणमूल कांग्रेस अदालत को भी गाली देना शुरू कर दिए है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस घटना के बाद आज जब उनका प्रतिक्रिया हम सुनेंगे तो उसमें अदालत को एकदम इस तरह से बताया जाएगा कि अदालत भी किसी का एजेंट के हिसाब से काम किया है, हम नौकरी देना चाहते हैं, अदालत नौकरी खाना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है, तो इसीलिए तृणमूल कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि उनको झटका लगा, सरकार को समझना चाहिए कि उनको झटका लगा, और बंगाल की पूरे समाज के लिए आप समझ लीजिए कृतिका, ये ग्रुप सी और ग्रुप डी लेकर ये संख्या पूरी 25,000 से भी ऊपर, करीब 25,700 के आसपास, तो ये 25,700 जो भी हो, ये तृणमूल कांग्रेस की धांधली के कारण, सरकार के धांधली के कारण जो भी हो, लेकिन नौकरी में पिछले 2016 और उसके बाद से नौकरी में था जी। वो एक तरह से अपना जिंदगी को सोच लिया था, लेकिन इन लोगों की इस धांधली के कारण अब इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और चार हफ्ते के बीच जो इतने दिन का सैलरी, उसके साथ 12% सूद भी देना पड़ेगा, और ये पूरी तरह से कानूनी है, कानून के सामने इसके अलावा कुछ करने का था ही नहीं। तो इसी हिसाब से जो देवांशु प्रसाद की डिवीजन बेंच है वो रायदान की है कृतिका जी। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए तो जो भर्तियां हुई उनमें वेतन तो वापस करना ही होगा, लेकिन साथ ही जो गिरफ्तारी की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया जा चुका है, साथ ही जो अधिकारी थे जो इसमें पूरी मिलीभगत जिनकी शामिल थी वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या आगे गिरफ्तारियां और बढ़ सकती हैं इस मामले में? अब कृतिका यहाँ पे एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, खासकर से आज अदालत की इस राय के बाद जी, कि ये ऐसा कोई व्यक्ति पार्थ चटर्जी उनका धांधली नहीं है, ये कोई व्यक्ति स्कूल सर्विस कमीशन की जो चेयरपर्सन हुआ करते थे मानिक भट्टाचार्य, जो तृणमूल कांग्रेस की अभी विधायक है, उनका धांधली नहीं है, या और एक विधायक जो गिरफ्तार है उनका धांधली नहीं है, या जो स्कूल सर्विस कमीशन की अधिकारी अभी जेल में है उनका धांधली नहीं है। ये पूरी तरह से सोचकर समझकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये धांधली किया गया है। और इसका जो अगर ऐसे कहे कि पत्रकार के हिसाब से हमारी आंखों के सामने ये हुआ है जी, उस समय की अगर न्यूज़पेपर खोल के देखा जाए 2014-15 की, जहां जब ये सोचा जा रहा था कि आगे जाके हम धांधली करेंगे, तो उसका कई सारे रिपोर्ट न्यूज़पेपर में है, हमारे साथी पत्रकार लोगों ने ये किए है खबर। तो ऐसा नहीं है कि आरोप तृणमूल जो कोशिश तृणमूल कांग्रेस की तरफ से है कि व्यक्ति पार्थ चटर्जी इसमें अगर है तो है, हम तृणमूल कांग्रेस के हिसाब से नहीं है, व्यक्ति मानिक भट्टाचार्य अगर है लेकिन हम तृणमूल कांग्रेस सरकार के हिसाब से इसमें नहीं है, लेकिन ये बात गलत है। और सीबीआई को पूरी तरह से जानकारी है, और जिस तरह से अदालत की तरफ से सीबीआई को छूट दिया गया है, हो सकता है आगे जाके इनका जितने सारे लाभार्थी है, जैसे हम अलग अलग स्कीम्स का लाभार्थी कहते हैं, इस तरह से इस करप्शन की, स्कैम की जो लाभार्थी है, कई सारे गिरफ्तारी हो सकता है सीबीआई को, जिस तरह से अदालत ने खुली छूट दे दिया है कृतिका जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर यूं ही लगातार बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार को एक बड़ा झटका इस वक्त हाईकोर्ट की तरफ से लगा है। इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की, यानी 24 की चुनौती की।
लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण को लेकर सभी दलों का चुनाव प्रचार अभियान जोरों शोर से जारी है। अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता आज भी चुनाव प्रचार में अपना दम लगाते हुए नजर आएंगे, जहां भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ में यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होना है। और वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद यानी कि 3 सीटों पर मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं भी लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोरमी, भिलाई और रायपुर के चंदखुरी में सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को भी धुआंधार प्रचार चल रहा है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण और चिक्कबल्लापुर लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य भी है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती करीब 12 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा प्रमुख मायावती सिकंदराबाद में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करती हुई आज नजर आएंगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब मणिपुर की करते हैं, जहां पर इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर आज फिर से मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि इसमें साजेब, खुरई, थोंगम, लेईकाई, वामन कंपू साउथ वेस्ट, वामन कंपू साउथ ईस्ट, खोंगमान जोन फिफ्थ, इरोई शेम्बा ममांग लेईकाई, इरोई शेम्बा मयाई लेईकाई और खेदे माखा के बूथ इसमें शामिल हैं, जहां पर आज फिर से मतदान हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। तीसरे चरण के तहत 95 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होना है और इस चरण में असम की 4 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की सभी 2 सीटें, गोवा की 2 सीटें, गुजरात की सभी 26 सीटें, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट, कर्नाटक की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 11 सीटें, मध्य प्रदेश की 9 सीटें, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर मतदान होगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद सीट से भाजपा ने अतुल गर्ग को अपना उम्मीदवार बनाया है। अतुल गर्ग ने पूर्ण बहुमत से भाजपा की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि विकास कार्यों को लेकर जनता हमें वोट देगी। क्या कुछ कहना है अतुल गर्ग का, आइए सुनते हैं। दूसरे चरण के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद लोकसभा सीट पर। दिल्ली से सटे इस इलाके में बहुत वीआईपी सीट मानी जाती है। बीजेपी ने अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। अतुल गर्ग हमारे साथ हैं, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है पूरे गाजियाबाद में या पूरे देश में। इस समय राष्ट्रवाद चल रहा है और मोदीवाद चल रहा है। गाजियाबाद में आप क्या गिनाना चाहेंगे, मोदी सरकार या योगी सरकार ने क्या कुछ ऐसा किया जिसके दम पर आप वोट मांग रहे हैं? गाजियाबाद में NH-24 जो हुआ करता था, NH-9 है, अब 16 लेन का हो गया। गाजियाबाद के अंदर नया हॉस्पिटल रेनोवेशन हो रहा है। गाजियाबाद के अंदर 3 विधानसभाओं में नए हॉस्पिटल बने हैं। गाजियाबाद के अंदर जो रेलवे स्टेशन है वो इंटरनेशनल क्वालिटी का आधुनिकरण बन रहा है, दिल्ली की टक्कर पर बन रहा है, दिल्ली से शायद अच्छा ही बनेगा। यहाँ पर स्टेडियम भी की भी शुरुआत हो गई है, यूनानी हॉस्पिटल बन गया है। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बाकी तो अमूलचूल परिवर्तन है। कांग्रेस की जो कुछ सीटें हैं जहाँ कांग्रेस दमखम लगा रही है, उसमें हम गाजियाबाद भी देख रहे हैं जो कि शहरी इलाका है, तो उन्हें लगता है कि शायद उनके प्रत्याशी को कुछ समर्थन मिले। 2022 के अंदर कांग्रेस ने यहाँ पर सुरेंद्र गोयल जी के बेटे को लड़ाया था, तो 1,54,000
बीजेपी को वोट मिला था और 11,500 कांग्रेस को मिला था विधानसभा की बात, विधानसभा में, और यही स्थिति पांचों विधानसभा में रही थी। तो आप कोई मुकाबला नहीं मानते, आप मानते हैं कि जीत, चूँकि बड़ी जीत हासिल हुई थी वीके सिंह को, उस लिहाज से हम पूछ रहे हैं। देखिए ऐसा होता है कि जो सेकंड नंबर पे आता है चाहे वो कितने बड़े अंतर से आए तो मुकाबला तो कहीं गई। अब अंतर इतना बड़ा है कि 154,000 और 11,000 का, तो ऐसे ही यहाँ होने वाला है। तो आपने जीत को लेकर आश्वस्त है? मेरी जीत नहीं, मोदी की जीत, बीजेपी की जीत, कार्यकर्ताओं की जीत। गाजियाबाद VIP सीट है, अतुल गर्ग को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है इस बार, और सामने हैं कांग्रेस से डॉली शर्मा, बहुजन समाज पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, लेकिन ज़्यादा चर्चा है कि बीजेपी बनाम कांग्रेस का यहाँ मुकाबला है, और अतुल गर्ग आश्वस्त हैं बड़ी जीत को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से कांग्रेस ने डॉली शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने डॉली शर्मा से भी खास बातचीत की, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि स्थानीय मुद्दे उनकी प्राथमिकता है। क्या कुछ कहना है डॉली का, आइए सुनते हैं। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार बहुत तेज है, हमारे साथ डॉली शर्मा है जो कांग्रेस की गाजियाबाद की उम्मीदवार है। डॉली, किन मुद्दों को उठा रही हैं आप यहाँ गाजियाबाद में? मेरा लोकल मुद्दों पर ही चुनाव है, मैं जनता को यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के मैदान, सड़कें, पानी, बिजली, ये मेरे मुद्दे हैं। मेरे गाजियाबाद के लोग त्रस्त हैं, बार बार ये लोग आते हैं बड़े नेताओं के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जब उनको उनकी नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की जरूरत पड़ती है तो गायब हो जाते हैं। अगर आप जीतती हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? मेरी प्राथमिकता मेरे गाजियाबाद है, मेरी प्राथमिकता होगी हर विधानसभा को उनका अपना अस्पताल मिले, अपने शिक्षण संस्थान मिले, स्टेडियम मिले, पानी मिले पीने का, पानी की निकासी मिले, और इसके अलावा हर विधानसभा की अपनी अलग अलग ज़रूरतें हैं, जिसकी जो प्रायोरिटी है, जैसे डंपिंग ग्राउंड हटाना मुरादनगर की है, जैसे लोनी को NH चाहिए, नेशनल हाईवे दिल्ली और सहारनपुर वाला, वो कभी नहीं बना, एक बारिश में नाव तैरने लगती है। खोड़ा को पानी दिलाना मेरा मुद्दा है, खोड़ा आज भी पानी के लिए तरस रहा है। बसपा भी उम्मीदवार उतारी है यहाँ पर, पिछला अगर आप चुनाव देखें तो उस लिहाज से वो कोशिश कर रहे हैं कि तिकोड़िया मुकाबला करें, तो आपको लगता है कि बसपा भी कोई असर डालेगी चुनाव में? नहीं, उनके तो बर्तन बिक गए हैं यहाँ अपने कार्यालय के, उनके कार्यालय के लोग आकर हमारे कार्यालय पर बेचारे बैठते हैं, ना कोई पानी देता है ना खाना, तो मैंने तो उनका स्वागत किया है कि आप आइए, ये इसके हमारे कांग्रेस के कार्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप जलपान कीजिए, आराम से काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉली शर्मा, उनका कहना है कि वो स्थानीय मुद्दे उठाकर चुनाव लड़ रही हैं और जो उम्मीदवार हैं बीजेपी उम्मीदवार उनसे तमाम सवाल पूछ रही हैं। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला है गाजियाबाद की सीट पर, जहां कांग्रेस ने डॉली शर्मा को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने अतुल गर्ग को। तो इस बार नतीजा क्या होगा, सभी की निगाहें रहेंगी। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, गाजियाबाद। तो लोकसभा चुनावों में गठबंधन के सहयोगी दलों को साधना और एक साथ मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ना जमीन पर कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए काफी अहम होता है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर NDA के सबसे पुराने सहयोगी अपना दल S को 2 लोकसभा सीट मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है। अपना दल अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने DD न्यूज के साथ खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने अपने बीते 10 सालों के कामकाज के दम पर तीसरी बार चुनाव जीतने का भरोसा जताया है। क्या कुछ कहना है अनुप्रिया का, आइए सुनते हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली और एक समय देश के सबसे बड़े जिले मिर्जापुर का प्रतिनिधित्व किया। अपना दल S की बहुत ही तेज तर्राक और युवा नेत्री अनुप्रिया पटेल जी ने, जो कि पिछले 10 सालों से लगातार मिर्जापुर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और अब यहाँ के जनता की उम्मीद है कि तीसरी बार भी वो प्रतिनिधित्व करें। हमारे साथ हैं अनुप्रिया पटेल जी, आप वैश्विक स्तर पर आप जब दिल्ली से देखते हैं, मैम चूंकि DPIIT में स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसी बड़े इकोसिस्टम को भी आप डील कर रही हैं और मुझे याद आता है मैक्रो साहब नरेंद्र मोदी साहब के साथ आए थे और सोलर का एक बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पे लगाया गया। जी जी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता को भी पता होना चाहिए कि आप वैश्विक मुद्दों को भी यहाँ पर समेट रही हैं और यहाँ की मूलभूत जो समस्या है उस पर तो काम लगातार कर रही हैं। जनता के साथ संपर्क तो हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं आपका। देखिए, सबसे पहले तो आपने स्टार्टअप की चर्चा की, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी गर्व के साथ, क्योंकि मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय है, कि 2016 से पहले तक हमारे देश में कुछ 100 स्टार्टअप, फ्यू 100 स्टार्टअप्स हुआ करते थे,
लेकिन फिर हमने स्टार्टअप संस्कृति को जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर बढ़ावा दिया, तो आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप भारत बन चुका है। और हमारे टायर टू टायर थ्री सिटीज़ के जो युवा हैं वो आज स्टार्टअप से लेकर यूनिकॉर्न से लेकर अब डेकाकॉर्न भी बनाने जा रहे हैं। ये हमारे देश की उपलब्धि है। तो इन स्टार्टअप्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्टार्टअप की पहल है उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रतिभावान युवा जुड़ सके। मैं अपने ज़िले में भी कोशिश कर रही हूँ कि लोग यहाँ के भी जो हमारे युवा हैं प्रतिभाशाली हैं वो भी इस मुहिम के साथ जुड़ सके, ये मेरी एक कोशिश है। एक तो हमारी तो युवाओं को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है इसको लेकर अनुप्रिया पटेल ने बताया। इसी के साथ में फिलहाल लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों यानी कि 24 की चुनौती में इतना ही। कर्नाटक के हुबली के कॉलेज परिसर में हुई नेहा की हत्या पर हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद और नेहा के पिता निरंजन हिरेमथ ने कहा कि कर्नाटक पुलिस नेहा की हत्या के मामले में गंभीर नहीं है और इसलिए मैं सीबीआई जांच चाहता हूं, मुझे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं 8 लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मेरे को खुला नाम भी दिया मैंने, एक आदमी को भी सिंगल नहीं पकड़ा, मेरा केस उसको उल्टा करने का देख रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ या आपसे नहीं होता है तो सीबीआई को दो, मैं किसको मांग करना। आज देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर यहाँ काम नहीं हुआ तो ऊपर तो पूछना है ना। मैंने पुलिस के ऊपर भरोसा करके नहीं है, जो इस केस में यहाँ पे जो कमिश्नर है एक लेडी है, इस केस में लेडी होते के नारायण एक लेडी का एक लड़की का उसको मर्डर होता है सीरियस नहीं लेती हो। और वही कर्नाटक सरकार कानून व्यवस्था को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। हुबली की छात्रा को न्याय दिलाने की आवाज भी अब लगातार तेज हो रही है और इसको लेकर राज्य में अलग अलग शहरों में भाजपा और सिविल सोसाइटी के जो तमाम लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ पे हमारी सहयोगी आयशा खाना में सबसे जुड़ रही है। आयशा, क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और जो वहां पर सिविल सोसाइटी के जो तमाम लोग हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। जी हाँ बिल्कुल, पूरे कर्नाटक में आज धरना प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि नेहा के हत्याकांड के बाद लोगों का ये कहना है कि कर्नाटक सरकार अभी इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है और लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ऐसे में हमने देखा कि मैसूर और दूसरे इलाकों में यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। खास बात यह है कि हुबली में 3 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और हुबली में भी वकीलों ने एक फैसला कर लिया है कि कोई भी वकील इस आरोपी के लिए कोर्ट में खड़ा नहीं होगा और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए तमाम वकील जो हैं कानूनी दलील पेश करेंगे। तो इस तरह से लोगों में गुस्सा है और ये गुस्सा भड़कता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी इसको लव जिहाद कह रही है, लेकिन कर्नाटक सरकार का कहना है कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है और सरकार इसे आपसी मामला बताते हुए इस मामले की जांच कर रही है। तो देखना ये होगा कि अब आने वाले दिनों में ये जो गुस्सा है जनता का, लोगों का जो गुस्सा है वो क्या रूप लेता है और जरूर जब वोट डाले जाएंगे ये आक्रोश लोगों के मन में रहेगा और कर्नाटक में जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो मुद्दा उठा है उस पर कर्नाटक सरकार को जवाब देना होगा। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आयशा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100 सहयोगी संध्या के साथ। नमस्कार।